टक्कर में हर जोर जुर्म की टक्कर में जी भाई जी, आज आप यहाँ पे बैठे हैं किस उस मकसद से? आज हमारी बैठक हुई है, पूरे जिले की बैठक है, हम प्रदेश की बैठक देहरादून में करेंगे, पूरे जनपदों में, कल पौड़ी में बैठक होनी है, तो पूरा जहाँ से सोल्यूशन निकलेगा जो देहरादून के हमारी बैठक में निकलेगा, हम साथ से मिलकर हम वार्ता करेंगे, उसके बाद अगर वार्ता हमारी असफल होती है तो उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? सरकार से क्या चाह रहे हैं हम? सरकार से उम्मीद है कि सरकार करेगी, उन्होंने बोल रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि मैं इसको करूंगा 2019 तक, हमें पूरी उम्मीद है, इससे पहले हमारा एक समान पेंशन 5000 रुपए हो जाएगा। मैं आश्वस्त। प्रमुख मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी पहली मांग तो ये एक समान पेंशन, दूसरा है 10% क्षेत्रीय आरक्षण, जो कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जिसका फैसला भी जो फैसला हो रखा है और अभी उन्होंने फैसला सार्वजनिक नहीं किया है उसको सार्वजनिक किया जाए। महाधिवक्ता हमारे क्या कर रहे हैं इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो माननीय उच्च न्यायालय से कुछ करे, जो फैसला सार्वजनिक करे ताकि हमारे बेरोजगार युवाओं को उसका फायदा मिल सके। एक समान पेंशन जो 5000 रुपए है, एक समान पेंशन की हमारी मांग है, वो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो केवल इसलिए कि इनका आंदोलन सफल है। मैं आप लोगों को जनपद स्तर का जो और लोगों को भी से बधाई देना चाहता हूँ, पूरा मैं बहुत मुझे गर्व भी होता है बोलते हुए।